तो हम सभी ने डोरेमोन तो देखा ही है और देखा ही क्या, बहुत सारे लोग तो अभी भी देख रहे होंगे, जैसे कि मैं भी अभी भी डोरेमोन देखता हूँ। बट मेरे मन में तो कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन कि क्या डोरेमोन की जो स्टोरी है वो असली है या नहीं। तो आपके मन में भी आया होगा, इसीलिए तो आप इस वीडियो पे हो। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये एक रियल इमोशनल स्टोरी है जो मतलब नोबिता की। तो इस जो नोबिता होता है उसको एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो जो एक ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा एक पर्सन होता है उसको पास जो एबिलिटी होती है थिंक करने की, सोचने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम होती है, और जो एक फील करने की एबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है, और जो एक बिहेव क्लियरली करने की एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी में जो हमारा पेशेंट होता है वो अच्छे से ना सोच पाता है, अच्छे से ना कुछ फील कर पाता है, और ना ही अच्छे से वो बिहेव कर पाता है। और इस बीमारी में बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो हमारा पेशेंट होता है वो एक मतलब इमेजिनरी अपना फ्रेंड बना लेता है जिसके साथ वो सारा टाइम रहता है, उसके साथ मतलब खेलता रहता है, सब कुछ उसके साथ करता है। बट बहुत सारे लोग इसको एज अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी लेते हैं। बट ये हमारे टॉपिक से अलग हो जाएगा, तो हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हमारा जो नोबिता होता है वो उसको मतलब जो उसके सारे के सारे क्लासमेट्स होते हैं और जो उसके सारे फ्रेंड्स हैं वो उसे बुली करते हैं और उसे अब्यूज़ भी करते हैं, और एक समय पर वो उसे अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नोबिता है वो उन्हें उसे मतलब उनको हर्ट कर सकता है। तो एक जगह पे मतलब वो उसे कम्प्लीटली अकेला छोड़ देते हैं और जो ये लोनलीनेस होती है और जो उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो उसे फोर्स कर रही थी एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाने को, और जो वो इमेजिनरी फ्रेंड बनाता है उसी को हम आज जो हमारा सीरीज है हम उसे एज अ डोरेमोन देख। और नोबिता को लगता था कि जो डोरेमोन है वही उसे सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। बट लेकिन होता क्या है कि जब उसके पेरेंट्स को इस जो उसने हमारे अपने दिमाग में ये कैरेक्टर बना रखा है डोरेमोन, इसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता चलता है, तो वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और जो डॉक्टर होता है वो उसका ट्रीटमेंट करते हुए उसे बताता है कि जो ये तुमने सोच रखा है कि डोरेमोन है ये एक मतलब असली है नहीं है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक बना हुआ एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि जब उसे ये पता चलता है कि ये मतलब रियल नहीं है डोरेमोन, तो उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो शॉक में चला जाता है, और शॉप में जाने के बाद वो थोड़ा सा पागल सा होने लग जाता है। और ये हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी सिर्फ 16 साल का है। और फिर क्या होता है कि एक दिन वो क्या करता है कि वो अपने पापा की गन उठाता है और अपने आप को, हाँ बिल्कुल सही समझे, वो अपने आप को शूट कर लेता है। और वो बस इसलिए शूट करता है ताकि मतलब काश उसे अगर कोई कह देता कि लाइक डोरेमोन असली है तो वो बच जाता, बट नहीं, बट ना भी शांति होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको एक हैप्पी न्यूज़ देने वाला हूँ, ये स्टोरी असली नहीं है। क्योंकि जो ये आर्टिकल था ये मतलब इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताने की सोची। बट जो इसके राइटर हैं फौजी को एफ फौजिया करके जो मतलब हमारे जो क्रिएटर हैं डोरेमोन के, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मतलब हमारा डोरेमोन है वो किसी भी असली इंसिडेंट से इंस्पायर नहीं हुए हैं। तो मतलब जो ये स्टोरी है ये कम्प्लीटली इमेजिनरी सीरीज है डोरेमोन की, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, और इस सवाल का जवाब है कि जो हमारा सवाल था कि लाइक डोरेमोन की जो असली स्टोरी है या नहीं, तो उसकी स्टोरी असली है या नहीं, इसका आंसर है नहीं। तो मतलब कि जो डोरेमोन है वो असली में एग्जिस्ट नहीं करता। और एंडिंग, हाँ तो अगर इस वाली वीडियो पे मतलब 10 लाइक्स आ, अगर हमारे टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स का, अगर हमारी इस वाली वीडियो पे 10 लाइक्स आ गए तो हम डोरेमोन की एंडिंग को भी रिवील कर देंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना ज़रूर कि वीडियो कैसे लगी। बाय बाय।